आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपको बताना है कि फिम्ब्रिया और एम्ब्रिया और फिम्ब्रिया होता क्या है। तो जैसे कि आपने देख आपको बताया कि यूट्रस से जब सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि महिलाओं में दो उभरी होती है। महिलाओं में कितनी उभरी होती है? दो होती है इनकी संख्या। ये क्या करते हैं, हर एक महीने एक ओवा को छोड़ते रहते हैं। ये क्या हो गया, सुन लो, ये एक ओवा है, ठीक है। अब यहां से स्पर्म जैसे ही यहां पर आया, जैसे ही स्पर्म यूट्रस की सहायता से कहां पर आया, फिलोपियन ट्यूब में आया है, तुरंत ओवा भी क्या करना चाहता है, वो इससे मिलना चाहता है, स्पर्म से मिलना चाहता है। तो जैसे ही इसने क्या किया, यहां पर छोड़ा। अब इसने क्या किया, फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया में क्या होता है, इसमें होता है फैट। इसमें क्या होता है, फैट जमा होता है। क्या होता है, फैट जमा होता है। जैसे ही इसने ओवा को छोड़ा, ओवा को इसने क्या कर लिया, कैच कर लिया। अब क्या करना है, यहां पर जो स्पर्म आया हुआ है, उस स्पर्म को इस ओवा से मिलना है, इस ओवा को स्पर्म से मिलना है। तो जैसे ही ओवा यहां पर आया, क्या किया, फिम्ब्रिया ने इसे कैच कर लिया। कैच कर लिया, किसने कैच कर लिया, फिम्ब्रिया ने कैच कर लिया। किसे कर लिया, ओवा को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक होता है सिलेटेड कॉर्नियल एपिथीलियम। ये क्या करता है, ये अब काम क्या करता है, सिलेटेड कॉर्नियल एपिथीलियम ये ओवा को धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, ये क्या करता है, स्पर्म यहां ऐसे धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, स्पर्म को क्या करता है, ओवा से मिला देता है। अब इनको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन, मतलब जब ये दोनों मिल जाए और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाए, मतलब क्या हो जाए, ये दोनों मिल जाए और फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, मतलब इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, मतलब ओवा का स्पर्म से मिलना। किसका, ओवा का स्पर्म से मिलना, ओवा का स्पर्म से मिलना क्या होता है, क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है, या एक प्रकार से एम्पुला या फर्टिलाइजेशन हैं। जब क्या, जब सिलेटेड कॉर्नियल एपिथेलियम धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के क्या करे, ओवा को स्पर्म से मिला दे, इसी को एम्पुला कहा जाता है बच्चों। और सिलेटेड कॉर्नियल एपिथीलियम का काम क्या है, ये क्या करता है, किसी भी पार्टिकल्स को धक्का मार मार के, धक्का मार मार के क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। और ये पाया कहाँ जाता है सर, तो ये पाया जाता है आपके रिस्पिरेटरी, ये कहाँ पाया जाता है सर, ये आपके रिस्पायरेटरी डक्ट में पाया जाता है। जैसे कि आप सुबह देखते होंगे, उठते होंगे, तो आपको कुछ कफ जैसे चीजें निकलती है, या आपको कुछ डस्ट पार्टिकल निकलते हैं आपके, कहाँ से, आपके मुंह से कुछ डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल को निकालने का काम कौन करता है, ये सिलेटेड सिलेटेड कॉलिमनर एपिथीलियम का काम होता है, एपिथीलियम का काम होता है। एम्पुला क्या होता है, सबसे पहले फिम्ब्रिया के पास क्या होता है, जैसे ही ओवा यहाँ आया, फिम्ब्रिया ने क्या किया, ओवा को कैच कर लिया। ओवा में कैच कैसे करता है, क्योंकि इसके पास फैट होता है, फैट होता है, इसलिए क्या कर लेता है, इसे कैच कर लेता है। कैच करने के बाद अब इस ओवा को मिलना किससे है, स्पर्म से मिलना होता है। और ये जो सिलेटेड कॉर्नियल एपिथीलियम है, ये इसे क्या करती है, धक्का मारना शुरू कर देती है, क्योंकि ये कहाँ फंस जाती है, कहाँ फंस जाती है, फैट के कारण यहाँ पर फंस जाती है फिम्ब्रिया में। और ये धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, ये इसको स्पर्म को, ओवा को स्पर्म से मिला देती है। इसी को कहा जाता है एम्पुला, या क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसे फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।